मायसेल्फ शिवांशु आत्रे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज अपन 10th के रिवीजन के 5th डे की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं नए चैप्टर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की बेसिक जान लेते हैं। पेयर का मतलब होता है ट्विंस, जोड़ा। लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन, क्लियर है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, टू। और वेरिएबल का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी जो आपको फाइंड करनी होती है, क्लियर है। एनीथिंग दैट वेरीज, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब अगर इन सबको मैं मिला देता हूं, मैं पेयर को अभी हटा देता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बना? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग टू अननोन क्वांटिटी ऑफ डिग्री वन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग टू अननोन क्वांटिटी ऑफ डिग्री वन विद द साइन ऑफ इक्वेलिटी बिटवीन देम, विद द साइन ऑफ इक्वेलिटी बिटवीन देम। तो इसी से जनरल फॉर्म बन जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू का साइन आ गया, दो वेरिएबल आ गए, डिग्री वन आ गई और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब बात करते हैं पेयर की, यानी कि एक और हमें इक्वेशन चाहिए, तो एक और लिख लेते हैं भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। फर्स्ट वाले में वन कर दीजिए, सेकंड वाले में टू कर दीजिए। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन वन हो गई और ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। इन दोनों को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करेंगे, यहां पे पूरा का पूरा चैप्टर है एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। अब एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड की जा सकती हैं? तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पे इसके सॉल्यूशन, बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वो वैल्यू, अननोन क्वांटिटीज की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहां दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो आज हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्यूशन के। पहला तरीका होता है आपका ग्राफिकल मेथड, क्लियर है। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है आपका एल्जेब्रिक मेथड, ओके, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक। अब ग्राफिकल क्या होता है? ग्राफ है ना, देखो ये ग्राफ किसका बनाएंगे हम? लीनियर का। लीनियर क्या है? एल से लीनियर, एल से लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका ग्राफ, सीधी सी बात। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब यहां पे एल्जेब्रिक के तीन तरीके होते हैं, कितने तरीके? थ्री वेज। यू आर इन क्लास 10th, ओके, तो 10th को हम कहते हैं सेकेंडरी, एस ई सी। तो यहां भी तीन तरीके, एस ई सी, क्लियर, एस ई सी। एस से बन गया मेरा सब्स्टिट्यूशन, ई से बन गया एलिमिनेशन, ठीक है, और सी से बन गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा मत कर देना कि सर ने तो सिखाया था कि सेकेंडरी, तो आप सेकेंडरी लिखिया हो, आप सेकेंडरी नहीं होता भाई, ये तो याद रखने के लिए बताया था, एस ई सी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आज अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की, कि ग्राफिकल मेथड को अपन कैसे डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड लिख लीजिए आप लोग। अब ग्राफिकल मेथड क्या होगा, देखिए ग्राफिकल, ओके, देखिए ग्राफिकल मेथड जैसा कि बताया गया, ग्राफ बनेगा, लीनियर है, लाइन बनेगी। अब अननोन क्वांटिटी कितनी है यहां पे? दो। कितनी है? दो, है ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये पहली इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर दो इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, पेयर क्यों ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो एक से भी हो जाता। तो देखिए जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतने ही हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए एक ही इक्वेशन होती तो फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स वी आर हैविंग इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ वाई,
फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ वाई वी आर हैविंग इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स रखते रहिए वाई आता जाएगा, वाई रखते रहिए एक्स आता जाएगा। अब यहां ये दो इक्वेशन हम बना लेते हैं, अब हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, अगर मिलना होगा तो, और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। अब कैसे हम बात करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल याद रखना पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली उसी टेबल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं, यहां एक लाइन बनेगी, यहां एक लाइन बनेगी, अब दो लाइन जब एक टेबल पे बनाएंगे, एक ग्राफ पे बनाएंगे, तो कितने तरीके से बन सकती है। आप बेसिक देखिए, हो सकता है वो लाइनें ऐसे कट जाए, छोटी सी बात है। दूसरा, हो सकता है वो लाइनें नहीं कटे, और तीसरा, हो सकता है वो लाइनें एक दूसरे के साथ चली जाए, ओवरलैप कर जाए। दो लाइनें ऐसे ही बन सकती हैं। तो ये वाला जो था, ये था हमारा इंटरसेक्ट, देखो कट कर दिया ना, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर है। ये नहीं कट करनी है और कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल लाइंस। और ये हो गई कॉन्साइडिंग या ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर गई एक दूसरे पे, आईपीसी, ऐसे याद रखना है, आईपीसी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कॉन्साइडिंग, ठीक है। अब देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो जब अपन सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं एक्स और वाई का, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर हम बात करें, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का क्या मतलब बताया था, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाता है। तो एक लाइन ये बनी है, एक लाइन ये बनी है, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन में आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये देखिए कितनी बार है, एक ही बार है, तो इसको हम कहते हैं यूनिक, अद्वितीय, क्या कहते हैं, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। यहां से पता चला इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब पैरेलल, पैरेलल तो कहीं कट ही नहीं करेंगे, जब कहीं कट ही नहीं करेंगे तो ऊपर वाले के एक्स वाई अलग है, नीचे वाले के अलग है एक्स वाई, तो यानी कि दोनों कभी मिले नहीं तो सॉल्यूशन आया नहीं तो मतलब नो, तो ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट है हमारा कॉन्साइडिंग, ओवरलैपिंग, जहां जहां फर्स्ट वाली इक्वेशन बनी वही वही सेकेंड वाली बन गई। हमने बात करी थी एक सॉल्यूशन की, और यहां तो हमें कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, दोनों एक ही पे बन गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, हर वो पॉइंट जो पहली लाइन पे है वो दूसरी पे भी होगा। इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो गया, कॉन्साइडिंग हो गया, यूनिक हो गया, नो हो गया और इनफाइनाइट हो गया। यहां तक एक चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, यानी कि कहा जाता है इफ यू डू अ कंसिस्टेंट वर्क देन डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब लगातार को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट, तो यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। अब यहां तो सॉल्यूशन मिला ही नहीं, तो यह क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। और बात करते हैं ओवरलैपिंग की, देखिए हमने तो ऊपर वाले से दुआ करी थी कि हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, ऊपर वाले ने इस केस में हमें कितने सॉल्यूशन दे दिए, इनफाइनाइट दे दिए, छप्पड़ फाड़ के दे दिया, तो ये भी क्या हुआ, मेहनत रंग लाई, तो ये भी होगा हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्लियर है। यानी कि कंसिस्टेंट हमारे दो होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट, इनकंसिस्टेंट नो होता है, क्लियर है। तो ये तो सारे थे तरीके, नाम, लाइनें कैसी कैसी बन सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्साइडिंग लाइन, सॉल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है, यूनिक, नो और इनफाइनाइट, या फिर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। अब मेन बात आती है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो होती है इसकी कंडीशन, क्या होती है, कंडीशन, यानी कि क्वेश्चन जिससे बनता है, आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, देखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 और XY साथ में आई रहे, इनमें से कोई भी एक चीज गायब कर देंगे, A1, B1, C1, A2, B2, C2, और आपको बोलेंगे इफ द इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस,
पैरेलल लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इस तरह से 8-9 तरीके बन जाते हैं और पूछा जाता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई 8-9 एक साथ नहीं आएंगे, कोई सा भी एक आ जाएगा। अब कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन के लिए हमें दो इक्वेशन है तो दोनों के कोफिशियंट को कंपेयर करना है बस। तो आप यहां क्या कीजिए, A1 अपॉन A2 को कंपेयर कीजिए B1 अपॉन B2 से। पहले केस में ये बराबर नहीं आएंगे, अगर बराबर नहीं आते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। यानी कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब बात करते हैं पैरेलल की, पैरेलल की बात करेंगे तो यहां जो A1 अपॉन A2 है अब बराबर कर देते हैं B1 अपॉन B2 के, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है? अब यहां पे बात करेंगे इनफाइनाइट की। देखिए इनफाइनाइट मैंने बताया था कि ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप कब कर पाएंगी, जब दोनों के इक्वेशन ही सेम होगी। तो ये क्या केस बन जाएगा, सेम होगी या कुछ कॉमन लेके सेम बन जाएगी। A1 अपॉन A2 रेशियो बिल्कुल बराबर, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, पहले में पहले पे ही क्रॉस कर दो, दूसरे में दूसरे पे करो और तीसरे में जगह बची नहीं, बाहर तो जाएंगे नहीं। क्लियर है? तो ये हमारा तरीका होता है, क्वेश्चंस इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे ये कंडीशन लगा के। चलिए उतार लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इक्वेशन आपको दे दिया गया, मान लीजिए x+3y = 6, ओके, एंड दूसरा दे दिया आपका 2x+ky = 12, ये इक्वेशन आ गया आपका, है ना। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन पूछा गया है हमसे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका सीधा सा तरीका है, आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहां A1 क्या है, x का कोफिशियंट कितना आ रहा है 1, A2 क्या है, x का कोफिशियंट सेकंड वाले में कितना आ रहा है 2, इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन k, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, k का वैल्यू हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इट मींस k इज नॉट इक्वल टू 6 is the value of k for which the following system of equation has unique solution। ये तो रही एक बात, दो नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। कई बार दो नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, draw the graph या with the graphically solve the following system of linear equation, ऐसा भी आ सकता है। और कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन तीन नंबर का बन जाता है ग्राफ से, कि दो इक्वेशन दे दी गई उनका ग्राफ बनाइए और फिर बताइए कि जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, ये पहला लिख लेते हैं हम 2x+3y = 6, दूसरा लिख लेते हैं 2x-3y = 6, ठीक है, 2x+3y = 6, 2x-3y = 6। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, और साथ में आ गया अल्सो फाइंड द एरिया, अल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि ये जो दोनों लाइंस होंगी इनसे जो भी हमारा ग्राफ बन रहा होगा उसका वाई एक्सिस के अगर अलोंग बात करेंगे तो एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, 2x+3y = 6। तो देखिए एक आसान सा तरीका होता है ग्राफ बनाने के लिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्राफ जो होता है वो लाइन का हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन के लिए हमें दो ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है।
तो एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, बहुत आसान है। आप 1 2 3 4 भी रख सकते हैं। तो जब x 0 होगा तो ये बन जाएगा 3y = 6, यानी कि y का वैल्यू हो गया 2। जब y 0 होगा तो 2x = 6, यानी कि ये 3। क्लियर? दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरी है हमारी 2x - 3y = 6। ओके, यहां भी सेम वही प्रोसीजर कर लेते हैं। x और y, एक बार x 0 रख लीजिए, एक बार y 0 रख लीजिए। x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -3y = 6, तो y = -2। y को 0 रखेंगे तो 3। क्लियर है? अब ये हम ग्राफ पे कोशिश करते हैं इसको बनाने की। दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया मेरा, है ना, 1 2 3 4, 1 2 -1 -2 -1 -2 -3, ये पॉइंट्स है। अब यहां है ये 0 2 0 2, तो देखिए 0 2 कहां होगा, ये रहा, लिख देता हूं मैं इसको 0 2। क्लियर है? दूसरा है 3 0 3 0, कहां होगा, ये रहा, देखिए क्या 0 आ रहा है, वहीं से पता चल जाता है। y 0 है ना, तो x एक्सिस पे होगा, और अगर x 0 है तो y एक्सिस पे होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3 0, ये लाइन बन गई। क्लियर है? सेकंड वाले में देखिए 0 - 2, क्या 0 है, x, तो किस पे होगा, y एक्सिस पे होने वाला है, ये रहा, इसको हम लिख देते हैं 0 - 2। क्लियर? दूसरा है 3 0, सेम है, यही पॉइंट मिला दीजिए। क्लियर? तो इसको आप दे दीजिए ए, ये मेरा बी और ये सी, 3 पॉइंट आ गए। अब क्या लिखा था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एरिया ये वाला हो गया। क्लियर है? तो एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है हाफ। अब बेस कितना होगा, देखिए ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है -2, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 2 - 2 0, हमें किसकी बात करनी है, साइन की बात नहीं करनी, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है। मैग्नीट्यूड ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो टोटल बेस बन गया मेरा 4। हाइट, ये हाइट हो गया, देखिए एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, तो ये परपेंडिकुलर ही है, तो ये हाइट हो गया कितना है 3। क्लियर है? तो 4 3 12 12 / 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले, आल्सो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वो आप लिख ही सकते हैं। अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस पूछ भी लेता है तो ए हो गया आपका 0 2, बी हो गया आपका 3 0, और सी हो गया आपका 0 - 2। क्लियर? तो ये तो था हमारा ग्राफिकल मेथड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम एल्जेब्रिक मेथड की बात करेंगे। आई होप आपको मेरा ये मेथड, ये तरीके पसंद आए होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।